यार बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर डबल अकाउंट सिस्टम द्वि खाता पद्धति चैप्टर। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन किए थे जो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है, एक रेलवे स्टेशन 1993 में 5 करोड़ की लागत से बनाया गया था, तो ये इसकी ओल्ड कॉस्ट हो गई, सही है। इससे 2019 में 20 करोड़ की लागत के एक नए रेलवे स्टेशन में पुनर्स्थापित किया गया, तो ये आपकी इसकी टोटल कॉस्ट हो गई, न्यू टोटल कॉस्ट। सही बात है, समझ में आ रही है ना लाइन लिखी हुई। आगे क्या कहता है, रेलवे स्टेशन से पुनर्स्थापित किया गया 1991 से सामग्री का मूल्य 200% और श्रम दरें 250% से बढ़ गई है, ठीक है। ये बात, सामग्री का मूल्य तो 200% हो गया है और श्रम दरें 250% से बढ़ गई है, दोनों बातों में अंतर होता है। इसका मतलब वो कहता है कि मटेरियल तो अगर जैसे मान लो पहले 100 लगता था ना, तो अब 200% हो गया, यानी 200 लगता है, ठीक है। जबकि श्रम दरें 250% से बढ़ गई है, इसका मतलब पहले 100 थी ना, अब 250 बढ़ गई है, यानी 350 अब लगती है। से शब्द का अंतर आ गया, ठीक है ना, से बढ़ गई, क्यों सही है ना, इंक्रीज्ड बाय लिखते हैं, गॉन अप बाय 250%। अब आगे, पुराने स्टेशन में सामग्री और श्रम का अनुपात 3:4 था, जो लेबर कॉस्ट का जो वेरिएंस अनुपात है मटेरियल का और लेबर का वो दे रखा है। अब पिछले प्रश्न में तो सीधा सीधा दे रखा था, इसमें क्या कर दिया इसने, मटेरियल की कॉस्ट में कितनी वृद्धि हुई वो बता दी, लेबर की वृद्धि कितनी हुई। तो हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, इसको अनुपात में, ये जो 5 करोड़ है ना, इस 5 करोड़ जो ओल्ड कॉस्ट थी उसको मटेरियल और लेबर के अनुपात में बांटना पड़ेगा 3:4 में, समझ में आता है। आगे, 95 लाख रुपए की पुरानी सामग्री नए स्टेशन के निर्माण में काम में ली गई, जो 20 करोड़ की लागत में सम्मिलित है। इसका मतलब यह है कि 20 करोड़ माइनस 95 लाख, ये हमें करना पड़ेगा, तो ये आएगा 19 करोड़ 5 लाख, ये कैश कॉस्ट हो गई। क्या हो गई, कैश कॉस्ट। टोटल 20 करोड़ रुपए लगा, लेकिन उसमें से 95 हजार का तो हमने 95 लाख का पुराना मटेरियल काम में ले लिया, तो हमारा कैश कितना लगा, 19,05,000, ये भी याद रखना है। आगे, पुरानी सामग्री की विक्रय से, जो पुराना स्टेशन तोड़ा था ना उसका कुछ सामान बेचा था, तो वो कितने में बिका, विक्रय से 27,50,000 रुपए वसूल हुए, उपरोक्त लेन देनों को दर्ज करने के लिए जनरल परिस्थिति। तो 4 जनरल एंट्री का ये सवाल होता है आप लोगों के लिए, ये 8 नंबर में आपके पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सके, क्योंकि इसके साथ में CBS आता है, उसका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ये दोनों चैप्टर मिला के 28 नंबर के हो सकते हैं। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, स्टार्ट करते हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 में आप सबसे पहले यहाँ पे लिखें 5 करोड़, यानी 500 लाख, ये इसकी ओल्ड कॉस्ट थी। क्या है ये, ओल्ड कॉस्ट, क्लियर। इसके हमें 2 हिस्से करने हैं, और उसका अनुपात है, क्या लिखा हुआ है, 3:4। इधर आएगा मटेरियल और इधर आएगा लेबर, ठीक है। तो 500 करोड़ को 3:4 में बांटो, कितना आता है, 2। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 करोड़ ओल्ड कॉस्ट लिखी, उसको 2:4 के अनुपात में बांटना है, मटेरियल और लेबर जो पुराना लगा था वो हमारे पास आ गया। वो ये कहता है कि इसमें कितना परसेंट हो गया, 200% वृद्धि हो गई है, तो इसका 200% निकालेंगे,
और इसमें कहा कि पहले जो लगा था उससे 250% से बढ़ गया है, तो इसमें आपके हम 350% इसका निकालेंगे, गॉन अप बाय, तो वो कितना होता है बताएं। तो प्यारे बच्चों ये दोनों आपके आ गए, मटेरियल और लेबर, यदि आज हम खर्च करते तो इतना लगता। अब आप इन दोनों की टोटल करेंगे, ये आपके कहलाएगी करंट कॉस्ट। तो करंट कॉस्ट आएगी 14,28,57,142। ये आप टोटल बॉक्स पे बंद कर ले, ये आपकी हो गई करंट कॉस्ट। अब उसके बाद में कैपिटल कॉस्ट, तो कैपिटल कॉस्ट के लिए आपके क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस करंट कॉस्ट होता है। तो टोटल कॉस्ट आपके 20 करोड़ दे रखे हैं, इसमें से घटाना है 14,28,57,142। आप ऐसे याद रख सकते हो, दो दो संख्या के दो सेट आएंगे और फिर उसके बाद में तीन आएंगे, तो घटाने पर कितना आता है, 5,71,42,858। बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, इसको भी बॉक्स बंद कर लो। ये आपकी क्या चीज हो गई, कैपिटल कॉस्ट हो गई, कोई दिक्कत प्यारे बच्चे। अब उसके बाद में एक और चीज आपको खाली करनी है, ये जो करंट अकाउंट है इसको तो लिखा जाता है रिप्लेसमेंट, और ये जो कैपिटल कॉस्ट है उसको लिखा जाता है वर्क्स। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, सही है। अब एक काम और, ये जो 5,71,42,858 है ना, इसमें से 95 लाख कटाने हैं क्योंकि वो हमने ओल्ड मटेरियल यूज में ले लिया है, तो यहां पे लिखें कैश कैपिटल कॉस्ट। तो 5,71,42,858 माइनस 95 लाख, ये आपको कटाना है। तो घटाने पर आपके 4,76,42,858, ये आपके कैश कैपिटल कॉस्ट होगी जिसको हम वर्क्स लिखते हैं। बस ये हमारी सारी गणित जो है मैथ्स वो आ गई है। अब समझ आए बच्चों यहां तक। अब हम पहली जर्नल एंट्री इसमें लिखेंगे, लिखें हेडिंग लिख दो, तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले नंबर वन लिखें वर्क्स अकाउंट डीआर तो वर्क्स लिखते ही ब्रैकेट में लिख दो रेलवे अकाउंट डीआर, यानी एक्चुअल में लिखना तो आपको रेलवे अकाउंट डीआर चाहिए, लेकिन हमारी आदत यह है कि हम वर्क्स अकाउंट डीआर लिखते हैं, इसलिए हमने लिखा वर्क्स अकाउंट डीआर। अगला रिप्लेसमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक, यहां पे कैपिटल कॉस्ट आती है और यहां पे करंट कॉस्ट आती है, तो कैपिटल कॉस्ट में जो कैश थी वो आएगी, तो वो आपके 4,76,42,858। और रिप्लेसमेंट में हमने कितना निकाला था, 14 करोड़ था कुछ, 14 करोड़
28,57,142, और इसकी टोटल करेंगे तो आपके आएगा 19,05,00,000। ये हमने पहले कैलकुलेट करी थी, चेक कर लो, बराबर आएगा। ये आपका हो गया पहला पार्ट। नंबर दो, कोई दिक्कत कर रहे हो? सेकेंड जर्नल एंट्री अपने को लिखनी होती है, जो मटेरियल हम काम में लेते हैं, पुराना मटेरियल जो हम काम में लेते हैं तो उसके लिए होती है। उसकी जर्नल एंट्री हम क्या लिखते हैं बच्चों? वर्क्स अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट। तो लिखें वर्क्स अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। कितना यूज किया हमने? 95,00,000 रुपए का पुराना मटेरियल हमने यूज में लिया, तो ये उसकी एंट्री हो गई। और नरेशन लिख दें ओल्ड मटेरियल यूज्ड। सही है। तीसरी एंट्री, थर्ड एंट्री लिखनी होती है, जो पुराना मटेरियल हमने बेचा तो उसकी एंट्री लिखेंगे। बेचते हैं तो पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। और कितने में बेचा बच्चों हमने? 27,50,000। कोई दिक्कत क्या बच्चों? ओल्ड मटेरियल सोल्ड, ये नरेशन हो जाएगी। और चौथी एंट्री बैलेंस ट्रांसफर की होती है, उसमें आप देखो रिप्लेसमेंट ऊपर लिखा था 14,00,000, डीआर था ये, सीआर हुआ 95,00,000 से, और सीआर हुआ आपके 27,50,000। ये दोनों घटा दो तो जो शेष बचा वो रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जनरल एंट्री लिखे रेवेन्यू अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट। अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर्ड। अब आपके बैलेंस ट्रांसफर्ड में सीधा सीधा गणित ये है कि वो ऊपर जो था ना उसमें से ये दोनों घटा दो, कितना आता है? यहां पे लिख लेते हैं ना, आप लोगों के लिए भी फायदा रहेगा। कितना था? 14,28,00,000 था ना, 28,57,142 था। इसमें से घटाना है आपको 95,00,000 और घटाना है 27,50,000, लगभग 1,00,00,000 से कुछ ऊपर कट जाएगा। तो कितना बचेगा? तो आएगा 13,09,06,07,142। सही लिखा है? 13,06,07,142। आंसर दिए हुए होंगे, आंसर क्या क्या दे रखे हैं मुझे बताएंगे थोड़ा सा? हाँ बेटा, ये दे रखा है, तो ये आंसर है ना, ये हाईलाइट कर देता हूं। और कौन सा है आंसर? हाँ, ये वाला 4,76,000, 4,76,00,000, ये ऊपर 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 ऊपर।
ये वाला, ये आंसर आता है ना। तो बच्चों इनको मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये दोनों आपके आंसर थे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आसान है, ये चार एंट्री ही है और ये इतना ही सवाल है। आज जो सीखा है वही रूल है और वही सवाल है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है, एक गैस कंपनी अपने कारखाने का 33 लाख रुपए पर पुनर्निर्माण करती है। पुनर्निर्माण है, रिप्लेसमेंट है, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई 33 लाख। इस बार संख्याएं ठीक है। कारखाने को जिसकी मूल लागत 13 लाख रुपए थी, यानी जो ओल्ड कॉस्ट थी वो उसकी 13 लाख थी, आज उसको रिप्लेस करवाया है, पुनर्निर्माण कराया है, रिकंस्ट्रक्ट कराया है, वो कितने में हुआ? 33 लाख। कोई दिक्कत है बच्चों? रिबिल्ड लिखा है। नए कारखाने को बनाने में 46,000 रुपए की पुरानी सामग्री प्रयोग में लाई गई, तो ये ओल्ड मटेरियल यूज्ड हो गया। इसकी एंट्री क्या होती है? वर्क्स अकाउंट ईयर टू रिप्लेसमेंट। सही है। कुछ पुरानी सामग्री को 84,000 रुपए में बेचा गया, तो 84,000 की एंट्री होती है बैंक अकाउंट ईयर टू रिप्लेसमेंट। श्रम तथा सामग्री की लागत में उस समय की तुलना में, जबकि पुराना कारखाना बनाया गया था, क्रमशः 15% किसके बारे में है? श्रम के बारे में। ये कई बार दिक्कत करता है। और सामग्री में कितना कहता है? 12.5% वृद्धि हुई है, तो ये भी ठीक है। कारखाने में सामग्री और श्रम का अनुपात 7:3 है। आपको आवश्यक परिगणनाएं करनी है तथा जनरल प्रविष्टि देनी है। यह मद गैस कंपनी की पूंजी खाते को व प्राप्ति में विवरण किस प्रकार दिखाई दे, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, जनरल प्रविष्टि तक अपने को इसमें करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, सेम सवाल है जो अभी हमने किया था। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे लिखो ओल्ड कॉस्ट, वो आपके कितना दे रखा है? 13 लाख रुपए दे रखा है, तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर लिख दो 13 लाख, और इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये आपके थी ओल्ड कॉस्ट। क्या है बच्चों? ओल्ड कॉस्ट। इसको दो भागों में बांटना है, तो मैंने दो भाग बना दिए। पहला, और इसका अनुपात कितना है? 7:3, तो 7:3। तो इधर मटेरियल और इधर लेबर, तो लेबर आपके कितना आता है? 7/10 हो जाएगा। मटेरियल कितना होता है? 9,10,000। और ये हो जाता है 3,90,000। अब इसमें जो वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ, हाँ बेटा, लेबर में 15% हुआ और मटेरियल में 12.5 हुआ, तो प्लस करना है 12.5%, और इधर आपके प्लस करना है 15%। तो प्लस करने के बाद में यहां पर और यहां पर क्या आ रहा है? तो इधर आता है 10,750,000 और इधर 4,48,000। ये दोनों जोड़ेंगे तो लिखेंगे करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट दोनों जोड़ो कितना आता है? 14,72,250। बहुत अच्छे बच्चे। और ये जो कॉस्ट दे रखी थी 33 लाख, उसके बारे में क्या लिखा था? कि उसमें कुछ भी नहीं, ये तो कैश कॉस्ट ही थी, है ना। अब इसमें ये 33 लाख में अपने ये शामिल है क्या, जो मटेरियल यूज किया था वो? नहीं, नहीं है, कैसे होगा? वो तो टोटल कॉस्ट में शामिल ही मानेंगे। अब आप लिखो कैपिटल कॉस्ट। क्या लिखेंगे बच्चों?
तो कैपिटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख देना न्यू वाली है ना, उसमें से घटाना है करंट कॉस्ट। तो 33 लाख लगे थे, उसमें 14,72,000 आप घटा दो, 250 घटाने पर कितना आता है 18,27,750। ये आपके क्या हो गई कैपिटल कॉस्ट। आंसर दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है ना, ये आना का मतलब दोनों सही चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब बच्चों नोट लिखें एक, और नोट में आप ये लिखें प्रश्न में टोटल कॉस्ट 33 लाख दिया हुआ है। अतः यह माना जाएगा कि इसमें ओल्ड मटेरियल यूज्ड शामिल है। ऐसा हम मानेंगे, शामिल है तो अब आप लिखें कैश कैपिटल कॉस्ट। तो 18,27,750 में से ओल्ड मटेरियल यूज कितना था, ओल्ड मटेरियल कितना यूज किया वो घटा दो, 46 है ना, 46,000 जो हमने पुराना मटेरियल यूज किया वो घटा दो, कितना आता है 17,81। ये आपके वर्क्स लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा वर्क्स। और ये ऊपर जो आया था ना करंट कॉस्ट, इसे क्या लिखेंगे रिप्लेसमेंट। वर्किंग नोट हो गया सारा, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करें। हेडिंग लिखो जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज में फिक्स 4 एंट्री होनी है। पहली एंट्री वर्क्स अकाउंट डीआर, तो वर्क्स के ब्रैकेट में उसका नाम लिख दो, क्या था, क्या चीज बनाई थी, गैस कंपनी। कितना है डीआर, वर्क्स अकाउंट डीआर रिप्लेसमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। अमाउंट में आपके वर्क्स में आती है कैपिटल कॉस्ट, ये देखो हमने लिखा हुआ है 17,81,750। इसमें आती है करंट कॉस्ट, सीसी आती है करंट कॉस्ट, कितना है करंट कॉस्ट 14,72,250 है ना। तो टोटल करो कितना आता है इन दोनों का 32,54,000, 46,000 कम हो गए,
33 लाख में से। सही है ना? टीसी ट्रांसफर। नंबर दो, पुराना मटेरियल 46,000 का यूज किया तो उसको आप क्या लिखेंगे? वर्क्स अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट कितना होता है? 46,000। और तीसरा थर्ड, पुराना सामान बेचा तो बैंक अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट कितने का बेचा? 84,000। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट क्या नाम है? बैलेंस ट्रांसफर। तो रिप्लेसमेंट देखो यहां पे लिखा है 14,72,250, उसमें से ये दोनों घटा दो तो कितना आता है? तो लिखो रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट, हमेशा यही एंट्री होगी। कितना आता है? 13,00,000। ये भी आंसर दिया हुआ है, ये सारे आंसर आपके मैच हो गए, बस इतना ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी आज का क्वेश्चन नंबर 3, वैसे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है एक जल आपूर्ति कंपनी को पानी वाले लाने वाले मुख्य पाइप, यानी जिसको हम बोलते हैं मेंस, ठीक है? तो मेंस का 1/4 भाग बदलना था, सही है? और कुछ सहायक नई लाइन एक बस्ती में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए डालनी थी, ठीक है? ये बात, ये जो सहायक है ना उसको ऑक्सिलरी मेंस बोलते हैं। मोटी पाइपलाइन, उससे निकलती है छोटी पाइपलाइन, सही है ना? ऐसा होता है ना, तो वो दोनों है मेंस और ऑक्सिलरी। आपके घर में जो नल आता है वो क्या है? ऑक्सिलरी लाइंस हो गई, ऑक्सिलरी मेंस बोलते हैं। अब आगे, पुरानी प्रमुख पाइपलाइन की कुल लागत 40 लाख थी, अब उसका कितना भाग रिप्लेस हो रहा है? 1/4 ही हो रहा है ना, तो ये जो 40 लाख है क्या बच्चों, इसका 1/4 निकालना पड़ेगा तो आ जाएगा 10 लाख, सही है? आगे बढ़ते हैं, सहायक पाइपलाइनों की लागत 45 लाख, ये तो सारी नई है ना बच्चों, कहां लिखा था? ये रहा, नई बस्ती में सारी लाइन ही नहीं है तो इसमें ओल्ड तो कुछ है ही नहीं है, तो सारा का सारा नया है, और सारा का सारा नया है तो ये कैपिटल में जाएगा, इसमें जाएगा सीधा ही, सारा कैपिटल में चला जाएगा, क्लियर? आगे, नई प्रमुख लाइनों की प्रमुख लाइनों की लागत 17,50,000 रुपए आई है, तो ये जो ये कहते हैं सहायक लाइनों की लागत 45 लाख और नई प्रमुख लाइन जो थी उसकी लागत, वो क्या कहता है? मेन लाइंस, मेंस जिसको बोलते हैं, लिखा है ना लाइनों की लागत, नई प्रमुख लागत यानी जो पुरानी 10 लाख की थी उसकी लागत कितनी है? 17,50,000 है, सही चल रहा है? आगे, ऐसा अनुमान है कि पाइप लाइनों को डालने की लागत 30% बढ़ गई है, पुरानी प्रमुख पाइपलाइन के टुकड़े बेचने से 75,000 रुपए प्राप्त हुए, उपरोक्त की जनरल प्रविष्टि दीजिए तथा अपलिखित की गई तथा पूंजीकृत की गई कुल राशि, कोई लागत बताइए, पाइपलाइनों का खाता भी बनाइए।
तो मेंस अकाउंट अगर बनाते तो जो जनरल एंट्री है ना उसी में वर्क्स का खाता बना दो तो वो खाता बन जाता है। जनरल एंट्री से जो अकाउंट बनता है उतना ही होता है। चलो अब देखो इस प्रश्न को मैं एक बार वापस थोड़ा सा आपके लिए लेता हूं। ये जो नई पाइपलाइन है 45 लाख की लगाई गई, ये तो सीधी कैपिटल है, क्या हो जाएगी? कैपिटल। इसको तो भूल जाओ, ये तो सवाल का हिस्सा नहीं है। अब हमारे पुरानी स्टाइल में सवाल जो है वो ये है कि टोटल कॉस्ट जो है ना टीसी वो तो है 17,50,000, ओल्ड कॉस्ट है 10 लाख। क्यों? क्योंकि 1/4 हिस्सा ही बदल रहे हो, तो ओल्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 10 लाख। अगर इसको आज हम बढ़ाते तो 30% बढ़ जाता, तो 10 लाख में 30% जोड़ो तो 13 लाख। तो इस 17,50,000 में से करंट कॉस्ट तो आ गई आपके 13 लाख, तो 17,50 में से 13 लाख घटाओ कितना आता है? कैपिटल कॉस्ट। तो कैपिटल कॉस्ट आती है 4,50,000। 4,50,000 एक कैपिटल कॉस्ट ये हो गई और 45 ये हो गई, दोनों जोड़ो कितना होता है? 49 लाख। आंसर आ गया, तो इतना ही सवाल। अब ये आंसर तो बैलेंस से आता है, इसमें हमने कितना लिया? 13 लाख लिया था, 13 में से 75 में आपने क्या करा? बेच के पैसे ले लिए, तो वो घटा दो तो रेवेन्यू अकाउंट का आंसर भी आ जाएगा 12,25,000। सारे आंसर मैच हो गए, समझ में आया प्यारे बच्चों? अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को, देखें तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ऊपर ही ऊपर यहां पे लिखें न्यू न्यू ऑक्सिलरी लाइन। ऑक्सिलरी लाइन लिखा था ना प्रश्न में, कितने की थी? कितने की थी? 45 लाख। सबसे ऊपर ही ऊपर ये लिख दो और इसके आगे लिख दो कैपिटल कॉस्ट और नीचे ब्रैकेट में लिख दो वर्क्स। ये तो वर्क्स में सीधी चली जाएगी, इसमें तो कोई हिसाब ही नहीं है, इसलिए इसको तो ऊपर ही ऊपर हमने लिख दिया। अब आपके मेंस जो थी वो आपकी कितने की थी? नया जो लगा है वो 17,50,000 में आपने टोटल पैसा खर्च किया, तो इसे बॉक्स में बंद कर, ये आपकी मेंस की टोटल कॉस्ट हो गई। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ओल्ड कॉस्ट कितनी थी? तो प्रश्न में कहा था कि ओल्ड कॉस्ट अब आप लिखें ओल्ड लाइन जो थी उसका टोटल कॉस्ट था 40 लाख, सही है ना? पर वो कहता है कि उसका केवल 1/4 ही बदल रहे हैं, इसलिए हमें उसका 1/4 इससे ही लेना पड़ेगा, तो वो आप क्या आएगा? 10 लाख। ठीक है, ये ओल्ड कॉस्ट हो गई, तो आप इसे लिख दे चाहे तो नीचे ओल्ड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। दस लाख। अब वो कहते हैं कि यदि आज इसको बनाते तो आपके 30% कॉस्ट बढ़ गई, तो इंक्रीज हो गया 30%, तो 3 लाख, तो इसकी टोटल आएगी 13 लाख। यानी अगर आप पुरानी चीज को आज दोबारा से बनाते तो 13 लाख लगते, ये कहलाती है करंट कॉस्ट। तो फिर आता है कैपिटल कॉस्ट क्या है, तो लिखिए कैपिटल कॉस्ट वो आपके है टोटल कॉस्ट माइनस करंट कॉस्ट होती है। तो टोटल कॉस्ट ये जो हिस्सा था उसका 17,50,000 रुपए खर्च हुआ, जिसमें से 13 लाख कटा दो कितना आता है? 4,50,000, ये कैपिटल कॉस्ट हो गई, सही है मेरे बच्चे? अब आपके टोटल कैपिटल कॉस्ट एक शब्द और लिख दो, टोटल कैपिटल कॉस्ट
ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर हमने कहा ना 45 लाख, तो सीधा ये जो है वो कैपिटल कॉस्ट ही है, क्योंकि ये सारी लाइन जो है वो नई लगाई गई है। तो 45 लाख प्लस 4,50,000, तो टोटल आता है 49,50,000। ये आपका कैपिटल कॉस्ट का आंसर आ गया। रेवेन्यू कॉस्ट की टोटल उसने दिया 13 लाख, खाते में कितना ट्रांसफर होगा वो बाद में आएगा। आप इसे लिख दे वर्क्स, क्या लिखेंगे? वर्क्स। इस बार पुराना मटेरियल यूज तो लिया नहीं, इसलिए कैश निकालने की जरूरत नहीं है, तो बस सीधा सीधा सवाल है। पहली एंट्री लिखेंगे, हेडिंग लिख दो जर्नल। तो जर्नल एंट्रीज में पहली जर्नल एंट्री लिख दें, एक वर्क्स, ब्रैकेट में क्या नाम था, ये वाटर सप्लाई है ना, सप्लाई लिखेंगे या मेंस, ठीक है, वर्क्स अकाउंट डीआर रिप्लेसमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक। तो टोटल आपने पेमेंट कितना किया? 13 लाख रुपए तो रिप्लेसमेंट में थे, खर्च किए, जो कि हमने करंट कॉस्ट लिया है, और कैपिटल कॉस्ट लिया 49,50,000 का। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल लगा ना 62,50,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? टोटल कॉस्ट ट्रांसफर एंड पेड लिख दो। नंबर दो, सेकंड एंट्री। अब पुराना मटेरियल यूज किया नहीं तो उसकी एंट्री होगी नहीं, बेचा है, कितने में बेचा? बैंक अकाउंट दिया, बेचा है ना, इसमें कुछ कितने का बेचा? 75,000 का। बैंक अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट कितना? हाँ 75,000। और लास्ट थर्ड एंट्री, रिप्लेसमेंट खाते को रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर करने के, रेवेन्यू अकाउंट डीआर टू अकाउंट। तो 13 लाख में से ये 75,000 घट जाएगा, तो 12,25,000 यहां से दिया हुआ है बच्चों। इतना ही सवाल है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।